निकम्मा किया इस दिल ने बहुत ही हेवी डांस नंबर है, उसमें प्यार की तड़प, प्यार की एंग्जाइटी, प्यार के एक्सप्रेशंस के सारे कलर है, एनर्जी बहुत है गाने में। गाना आपसे पॉपुलर तो हो ही चुका है, गानों के जो प्रकार होते हैं उसमें ये वो प्रकार है कि जो कमर्शियल हिट हो जाता है। एट द सेम टाइम मैंने इसमें एक स्टैंडर्ड रखने की कोशिश की है, और कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे प्यार की उलझन, प्यार की तड़प दिखानी है, तो उस एक्सप्रेशन को मैंने एक एनर्जी के साथ पेश किया है। तुषार और ऐशा ने बहुत ही अच्छा डांस किया है, और ऐसा लगता है कि जब प्यार के उस नाजुक दौर से लड़का और लड़की गुजरते हैं तो तब उनकी ये तड़प इसी तरह दिखानी चाहिए। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट सॉन्ग एंड म्यूजिकली इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग हिट। Building a character for Tushar, what kind of what went through it? Kya uske you know piche kya kahani hai uske bare mein bataiye. तुषार के कैरेक्टर के बारे में कहानी ये है कि कहानी की एक रिक्वायरमेंट है, यंग लड़का चाहिए जिसे आज की जनरेशन आइडेंटिफाई करे। वो यूथ तुषार में है, वो एनर्जी तुषार में है, और एट द सेम टाइम लड़का जो कैरेक्टर है वो एक अलग अंदाज से ज़िंदगी को देखता है, सोचता है, लेकिन वो नेगेटिव लगना नहीं चाहिए, उसमें वो शराफत, वो एक लाइकेबल क्वालिटी होनी चाहिए, वो भी तुषार में है। तो उसका कैरेक्टर, उसकी डायलॉग लिखने में मुझे बहुत ही तलवार की धार पे चलने वाला काम करना पड़ा कि एंटरटेनिंग हो, रिबेलियस हो, और एट द सेम टाइम उसमें एक बेसिक शराफत हो, और उसने बहुत ही अच्छी तरह ये तीनों रिक्वायरमेंट्स को निभाया है। एंड मुझे लगता है कि एक एज अ स्वीट रिबेल ही विल बी डेफिनेटली रिमेम्बर्ड आफ्टर दिस फिल्म। तो एज अ डायरेक्टर आप अपने सेट्स पर किस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करें, किस प्रकार का एटमॉस्फेयर आपको पसंद है? आई ट्राई टू कीप एटमोसफियर वेरी लाइट, बिकॉज मुझे लगता है कि काम के बोझ से अच्छा काम नहीं हो सकता है। हम कोई एटम बॉम्ब तो बना नहीं रहे हैं कि सब चुप 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 सब डिफ्यूज हो रहा है, हंसते खेलते ही काम होना चाहिए। और मैं एक राइटर हूँ तो मेरा फ़ायदा ये भी है कि एक्टर को जिस मूड में, जिस अंदाज में बोलना है, मैं वहीं का वहीं उन चीज़ों को मोल्ड कर लेता हूँ। लिखी हुई फिल्म को, लिखी कहानी को मैं कोई ऐसा पकड़ के नहीं रखता हूँ, इसीलिए मेरी फिल्म सांस लेती है, मेरी फिल्म जिंदा होती है, मेरी फिल्म में एक स्मार्टनेस होती है, कलर होता है, और बोले हुए डायलॉग इसीलिए इंटरेस्टिंग लगते हैं। वो डायलॉग राइटिंग की स्टाइल नहीं है, लेकिन उसकी जो ब्रीदिंग है, उसकी जिंदा क्वालिटी, उससे लगता है कि हाँ ये बहुत ही कैरेक्टर बोल रहा है, ये आर्टिस्ट बोल रहा है, या एक फिल्म का किरदार बोल रहा है। ऐसा लगता नहीं कि लेखक बोल रहा है या डायरेक्टर बोल रहा है। तो फिल्म में वो ब्रीदिंग रखनी बहुत ज़रूरी होती है, फिल्म में वो एक खुलापन, एक खुला आसमान की एक फीलिंग होनी चाहिए, और वो मैं कोशिश करता हूँ क्रिएट करने की। इसलिए मेरी ह्यूमर, मेरी स्टाइल, मेरा अंदाज ऑडियंस तक पहुंचता है। और मेरे जितनी फिल्में मैंने लिखी है, जितनी फिल्म, दिस इज़ द सेकंड फिल्म आई हैव डायरेक्टेड, हमेशा मेरे आर्टिस्टों के परफॉर्मेंसों को सहारा गया है बिकॉज़ ऑफ दिस। एशा इज अ टिपिकल इंडियन टीनेज गर्ल, वेरी मॉडर्न एंड वेरी ट्रेडिशनल। एशा इज अ स्पॉन्टेनिटी, उसकी कॉमेडी की स्टाइल, उसके बोलने का अंदाज बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, और उसका जो एज ग्रुप जिंदगी में है उसी एज ग्रुप को मैंने पर्दे पे पेश करने की कोशिश की है। तो ज़्यादा कुछ हेवी बात नहीं, ज़्यादा कुछ यू नो बोझिल बात नहीं, लेकिन मेरे घर के पड़ोस में रहने वाली टीनेज लड़की, या नागपुर में रहने वाली, या अहमदाबाद में रहने वाली टीनेज लड़की जिस तरह सोचती है उसी तरह वो सोचती है। उसने बहुत ही खुल के काम किया है। आई थिंक उसकी पहली दो फिल्मों के मुकाबले ये काफ़ी खुलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग काम उसने किया है। मेरी फिल्म में उसका बहुत ही मॉडर्न लुक है, कपड़ों में, अंदाज में, लोगों को पसंद आएगा, मेरा कॉन्फिडेंस है। उसने डांस बहुत ही अच्छा किया है, डेफिनेटली शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्टार फैमिली से आ रही है, पेरेंट्स इतने अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, और हेमा जी की जो डांस की एक एबिलिटी है वो उसमें झलकती है, धर्म जी की जो कॉमेडी की स्टाइल है वो उसमें झलकती है, एंड शी इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट, एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल लाइक हर वेरी मच इन माई फिल्म, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जी साथ इस फिल्म की कंपेरिजन, खूबसूरत एक वो बेहद कामयाब फिल्म रही है, और संजय दत्त की एक्शन इमेज होते हुए भी मैंने उसको पारिवारिक कॉमेडी फिल्म में पेश किया, और मुझे काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिली। लेकिन वो एक कम्प्लीटली पारिवारिक फिल्म थी, और सीनियर आर्टिस्ट थे उर्मिला, संजय दत्त जो मंजे हुए कलाकार उसमें थे। यहाँ पे यंग बॉय यंग गर्ल की एक फ्रेशनेस है, एक एनर्जी है, यूथफुल फिल्म की क्वालिटी है। दिस इज़ मोर म्यूजिकल, मोर एनर्जेटिक फिल्म कम्पेयर टू खूबसूरत, एंड इसमें भी ह्यूमर है, इसमें भी वो स्मार्टनेस है, इसमें भी वो एक
एक क्लीन एंटरटेनिंग फिल्म की एक जो रिक्वायरमेंट होती है वो है। इसमें मुझे लगता है कि ये फिल्म की जो खासियत ये है कि इसमें शरारत है, शराफत है और थोड़ी नज़ाकत भी है। लव स्टोरी इन क्लीन एंटरटेनिंग फिल्म की जो एक मोल्ड होती है उसमें मैंने पेश करने की कोशिश की है। दिस फिल्म इज़ टारगेटेड मोर टूवर्ड्स यंगर जनरेशन एंड फैमिलीज की बात है, लेकिन वो बैकड्रॉप में है, खूबसूरत वॉज फैमिली वॉज इन द फ्रंट। ओके, थैंक्स।